आई थिंक जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया हैं या जो ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे फ़िलहाल हम अकाउंटेबिलिटी या एम्पावरमेंट की जो ब्रॉडर टर्म में जो वो हैं उनकी, उसको फ़िलहाल हम नहीं सोच सकते वहाँ पे। वो मुश्किल ही होगा क्योंकि वहाँ पे फ़िलहाल लोगों को जो है फूड एंड शेल्टर की ज़रूरत है, वहाँ पे बेसिक मींस जो लाइफ की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत है। वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं है आपके, वहाँ पे कोई आपके हॉस्पिटल्स नहीं है, तो फ़िलहाल उस हवाले से हम नहीं सोच सकते। फ़िलहाल उनको हमने जो इमीडिएट उनकी वो है, उनकी नीड्स है, उसको पूरी करने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं और कर रहे हैं। हाँ, हावेवर ब्रॉडर लेवल पे जब आप देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इसकी ज़रूरत भी है आजकल, और काफ़ी इसकी जो है वो नीड्स भी हैं वहाँ पे कि हो जाए। क्योंकि उससे पहले जो कन्फ्लिक्ट आया था वहाँ पे या जो वायलेंस हुआ था, तो बेसिकली यही था कि लोगों को जो है वो इख्तियार नहीं था, लोग बाख्तियार नहीं थे, उनके साथ डिसीजंस लेने का हक़ नहीं था, वो एम्पावर नहीं थे पॉलिटिकली, वो इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं थे, उनके पास एजुकेशन की कमी थी। तो तभी उन ये हालात जो है वहाँ पर लागू हो गए और लोगों को पता चलते चलते जो है वो बात बहुत बिगड़ गई थी, और लोग जो है वो IDPs बन गए और वहाँ पे जो है वो 10-15 सालों से अभी भी कैंपों में रह रहे हैं।